नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल, अब बात क्या हो गई है, भूगोल के अंतर्गत विश्व भूगोल, सिर्फ विश्व भूगोल, भूगोल के अंतर्गत नहीं है, भूगोल में मैंने आपको चार भाग बताए हैं, एमपी, इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल। समझ रहे हो, मैंने आपको एमपी का पॉलिटिकल मैप जिसमें 52 जिले बना के बताए हैं, भारत का भूगोल यानी कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैंड मैपिंग के द्वारा बनाकर दिखाए, और आज विश्व जियोग्राफी में कितने महाद्वीप होते हैं, 7। उन 7 महाद्वीपों में से आज मैं आप लोगों को हैंड मैपिंग के द्वारा एशिया महाद्वीप का राजनीतिक मानचित्र बनाकर दिखाने वाला हूँ, और आप भी मेरे साथ बनाने का प्रयास करोगे, और ये भी दिखाऊंगा कि एशिया महाद्वीप हो या कोई सा भी महाद्वीप हो, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। स्टार्टिंग दोस्तों, हमेशा मेरी बात याद रखना, पॉलिटिकल मैप से ही होती है। यदि पॉलिटिकल मैप आपका क्लियर होगा तभी आप पूरे टॉपिक क्लियर कर पाओगे। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि आप एटलस खोल के बैठ जाओ या फिर मैं एटलस लेके आऊं और आपको बताऊं कि देखो बेटा ये कजाकिस्तान, नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं क्या बोलूंगा, मैंने यहाँ पे बनाया, आप मेरे साथ बनाओ। एक बार माइंड में सारी की सारी कंट्री लोकेट हो गई किसी भी कॉन्टिनेंट में, क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप राजनीतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र, एशिया महाद्वीप। तो मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों, मैंने यहां पे लिख दिया एशिया महाद्वीप। अब बात यह होती है कि ये तो सिर्फ नाम हो गया एशिया महाद्वीप, हमें तो यहाँ पर शर्ट शो करके दिखाओ, राजनीतिक मानचित्र बनाकर दिखाओ। आपको मेरे साथ बनाना है, बहुत इजी है दोस्तों, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं, ठीक है। अभी मेरे माइंड में है कुछ क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, नॉर्मली बता रहा हूँ, SSC लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, PSC की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। PSC हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि सोचो SSC जैसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है। क्या पूछा, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है, एशिया महाद्वीप में है। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है, अदरवाइज मैं अभी आपको यहां पर बताने वाला हूं कि अरल सागर कहां पर है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं दोस्तों एक मैप। तो पहले हम लोग बनाएंगे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत से, ठीक है, ओके। तो ये मैंने बनाया दोस्तों भारत, छोटा सा बनाएंगे हम लोग, ओके। तो ये तो बन गया दोस्तों हमारा देश भारत, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, ओके। अब हम लोग बनाएंगे बाकी कंट्रीज, अब हम लोग क्या बनाएंगे, बाकी कंट्रीज, अदर कंट्रीज। तो ये तो हो गया भारत, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत के साइड में यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग साथ में बनाओगे, ये है पाकिस्तान जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के साइड में जाएंगे तो यहां पर एक देश और आएगा जिसे कहते हैं हम लोग अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, काबुल, ठीक है। यहां पर बनाएंगे इस साइड में नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू, और ये भूटान जिसकी राजधानी क्या है, थिम्पू, ठीक है। यहां पे देखेंगे हम लोग इस साइड में तो इस देश को आप लोग जानते हो, इसे हम लोग कहते हैं म्यांमार, जिसकी राजधानी क्या है, न्यापिदा, ठीक है ना, न्यापिदा। अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है तो आप कैपिटल देखने के लिए एटलस खोल के देख सकते हो, लेकिन मैं बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। म्यांमार की राजधानी न्यापिदा, म्यांमार से आगे चलो इस तरीके से, और ये बन गया थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड के आगे यहाँ पे चलेंगे हम लोग तो देखो ये छोटा सा देश एक उंगली की तरह उठा निकला हुआ है, मलेशिया जिसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुरम, क्लियर हुआ। मलेशिया के आगे चलो छोटा सा एक द्वीपीय देश मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर सिटी, ठीक है, नाम सुना होगा सिंगापुर का। अरे कई बार आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में यदि कोई कहता है कि मैं सिंगापुर घूम के आया हूं, यदि आपका राजनीतिक मानचित्र क्लियर होगा तो क्या बोलोगे, अच्छा सिंगापुर, अरे ये म्यांमार के साइड में थाईलैंड, थाईलैंड से आगे मलेशिया, मलेशिया के आगे है ना, तो वो क्या सोचेगा, अरे भाई कब घूम के आया यार, समझ रहे हो। सिंगापुर राजधानी सिंगापुर सिटी, थाईलैंड के बाद में यहां पर देखना दोस्तों तो ये एक देश बनेगा जिसका नाम है कंबोडिया, क्या नाम है,
कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नाम पेन, और यहां से हमें चलना है म्यांमार से कंबोडिया को एक टच करना है, देश बनेगा जिसका नाम है लाओस, लाओस की राजधानी वियेंतियन, और लाओस से हम आगे बढ़ेंगे, कंबोडिया को कवर कर लो, एक देश बनेगा जिसका नाम है वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई। क्लियर? इतने सारे देश बनने के बाद में यहां पर देखो दोस्तों, एक देश फिर बना लेते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश, राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, राजधानी क्या है? ढाका। और यहां पर एक देश और बनाते हैं, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश भी है श्रीलंका, जिसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। ठीक है, इसके पहले आपने सुना होगा श्री जयवर्धनेपुरा। ठीक है ना, तो श्रीलंका के साइड में इधर आ जाओ, भारत के यहाँ पे एक और देश मिलेगा जिसका नाम है मालदीव। कई लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने कई बार जाते रहते हैं। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश भी है अरब सागर में, जिसकी राजधानी क्या है? माले। ठीक है, यहां तक के हम लोगों ने एशिया महाद्वीप में कुछ देश देखे हैं, अभी तो कुछ बना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आप खुद देखिएगा, आगे बढ़ेंगे तो अब देखिएगा कि अफगानिस्तान से हम चले कुछ इस प्रकार से, ये गए और ये एक देश बन गया। अब बनते ही आपको समझ में आ गया कौन है ये, बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हो, चाइना है ये, और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। हमेशा से इसकी रणनीति क्या रहती है? अपने क्षेत्र के अनुसार विस्तारवाद की, यानी कि पर्टिकुलर किसी भी आसपास क्षेत्र को देख लो, कोई छोटा मोटा होगा, कमजोर वर्ग होगा, कमजोर वर्ग वाला देश होगा तो डायरेक्ट उस पर अटैक करना, या उसके पास में जाकर बोल देना कि ये क्षेत्र मेरा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे से तो लड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो विस्तारवादी नीति है इसकी, चाइना, जिसकी राजधानी है बीजिंग। चाइना के बाद में यहां पर देखो दोस्तों, एक देश मैंने बनाया जिसका नाम है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलानबटोर या नूर सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मंगोलिया की बात, एक बात बता दूं आप लोगों को कि मंगोलिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भू आवेष्टित या लैंडलॉक देश भी है। तो सबसे पहला कौन सा है? कजाकिस्तान है। सर कजाकिस्तान कहाँ है? एशिया में ही है, अभी नहीं बना ना, अब बनेगा, देखना आगे, पहले आगे देख लो। यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इस साइड चलते हैं दोस्तों हम लोग, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से, एक देश बनेगा जिसका नाम है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान के बाद आगे बढ़ो तो एक और देश आएगा इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद, और यहां से आप देखोगे इराक के ऊपर चलो, एक देश बनाओ इस तरीके से जिसका नाम है तुर्की, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। अब मेन बात क्या आती है, जरा उसको एक बार देख लो। यहां पर मैं बनाने वाला हूं एक सागर जिसका नाम है कैस्पियन सागर, तो क्या सागर है? नहीं, पहले देखो, ईरान के ऊपर हमें बनाना है एक झील, क्या बनानी दोस्तों? झील। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है दोस्तों कैस्पियन सागर। झील कौन सी? कैस्पियन सागर। सागर क्यों नाम दिया? कैस्पियन झील क्यों नहीं नाम दिया दोस्तों? इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे सागर का नाम दिया, लेकिन है क्या? झील। समझ रहे हो भाई, सागर और झील में अंतर क्या है? सागर आप उसे कहोगे जिसकी सीमा समुद्र से मिलती हो, उसे सागर कहोगे। झील किसे कहोगे? तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसे झील कहते हैं। तो कैस्पियन सागर, इसकी सीमा समुद्री जल से नहीं मिलती है, ये चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, हे एक झील, पर नाम क्या दिया? कैस्पियन सागर। क्यों? आकार इतना बड़ा है। ठीक है ना, कैस्पियन सागर। पानी कैसा है इसका? तो पानी दोस्तों खारा है इसका। भाई पानी कैसा है? खारा है, मीठा नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कैस्पियन सागर, लेकिन जल कैसा है? खारा है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में, सुपीरियर झील है। ठीक है ना, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अब आप देखिएगा कि यहां पे मैं और कौन कौन से देश बनाने जा रहा हूं। देखना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इसके ऊपर हम लोग चलेंगे इस प्रकार से, और यहां पर मैंने बना दिए दो देश, दो देश बना दिए मैंने। कितने देश बना दिए? दो। कौन कौन से? यहां पे देखना इस ऊपर वाले को, इसका नाम है किर्गिस्तान। क्या नाम है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। क्या बोला मैंने? बिश्केक। किर्गिस्तान से नीचे आओगे, इसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, क नहीं बोल रहा हूं, तराजू का, तरबूज का, तजाकिस्तान, राजधानी दुशाबे। किर्गिस्तान, बिश्केक,
तजाकिस्तान, दुसाबे, अफगानिस्तान से आओ और बस इस कैस्पियन सागर से सीमा बना लो, एक देश बनेगा जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अजगाबाद। अजगाबाद तुर्कमेनिस्तान से ऊपर चलो और किर्गिस्तान को छू लो, एक देश बनेगा, इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ठीक है ना, अब देखो कंडीशन क्या होती है, ये जो कैस्पियन सागर है यहां से सीमा बनाते हुए एक देश बनेगा, इस देश का नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। क्लियर हुआ कुछ? अब मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पर बना रहा हूं अरल सागर, ये क्या बना दिया दोस्तों मैंने, अरल सागर। अब अगर आपको इस एशिया महाद्वीप में राजनीतिक मानचित्र में इन देशों की स्थिति पता होगी और आपने बना रखे होंगे और आपने यहां पर देखा भी होगा कि अरल सागर भी आपने बना रखा है, तो ये कजाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, मतलब क्या हुआ? सोचो एसएससी लेवल की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, यदि आप पीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा इस पॉलिटिकल मैप से किस प्रकार से क्वेश्चन आते, बहुत इजी लगेगा। अगर पॉलिटिकल मैप भी आपने बना लिया तो पीएससी, एसआई, पटवारी, ये एग्जाम कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे यदि आपका पॉलिटिकल मैप क्लियर है तो। ठीक है ना, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहां तक क्लियर है? ओके, आगे जब देखोगे दोस्तों, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां से, तो देश कौन सा आएगा आगे देखना। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो इस कैस्पियन सागर से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पे देखना, कैस्पियन सागर से पश्चिम में ये मैंने बनाया एक देश और ये मैंने बनाया दूसरा देश। जो एक देश बनाया कैस्पियन सागर से एकदम सीमा बनाते, इसका नाम है अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी बाकू। साइड में देखोगे आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। और अजरबैजान से आपको चलना है और इसको आर्मेनिया को ओवरलैप करना है और तुर्की पे आके बैठ जाना है। देश कौन सा? जॉर्जिया। राजधानी तिब्लिसी, राजधानी तिब्लिसी। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब देखना कितना मजा आएगा। अब आप आ जाओ इस चाइना के पूर्व में, यहां पे आप देखोगे ये हम इस प्रकार से एक देश बनाने वाले हैं और देश का आकार देख के आप समझ गए होंगे कि यार ये देश तो रसिया है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। देश कौन सा है? रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है। लेकिन मॉस्को किस महाद्वीप में है? क्या एशिया में है या फिर यूरोप में है? दोस्तों मॉस्को यूरोप में है, ठीक है, और एशिया में आने वाले रूस को हम लोग क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। लेकिन बात यह भी तो आएगी, सर डिवाइड कैसे करेंगे? सर डिवाइड इस प्रकार करेंगे कि यहां पे आप देखोगे तो एक माउंटेन आपको नजर आएगा, इस माउंटेन को हम लोग कहते हैं यूराल पर्वत। इस माउंटेन को हम लोग क्या नाम देंगे? तो इस माउंटेन को हम नाम देते हैं यूराल पर्वत। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इस यूराल पर्वत के पश्चिम में जो रूस हमें नजर आएगा उसे हम लोग रूस कहेंगे, जो कि कहां पे आता है? यूरोप के अंतर्गत। और यूराल पर्वत के पूर्व में जो रूस है उसे हम लोग कहते हैं साइबेरिया, जो एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहीं से दोस्तों क्वेश्चन यही बनता है कि जो कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले एशिया के देश कौन से हैं, या फिर कभी कभी वो एशिया का नाम नहीं देते, वो ये भी दे देता है कि कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों में से कौन सा देश नहीं है। अरे भाई पहले हमें ये तो पता होना जरूरी है कि कौन कौन से देश इससे सीमा बनाते हैं, और वो कब पता चलेगा? जब हम इसको बनाएंगे, जब हम इसको देखेंगे, या फिर किताब में सिर्फ पढ़ लोगे और पढ़ के आप लगा दोगे? नहीं लगा पाओगे। जिन चीजों का हमने देखा ही नहीं, जिनके द्वारा हम जिनको यानी कि जिन क्वेश्चन को जिस थ्योरिकल पार्ट का हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम आंसर कैसे कर पाएंगे? रट्टा मार के या तुक्का लगा के? तुक्का लगाने से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। एक बात दिमाग में बिठा लो, इंटरनल कॉन्फिडेंस के लिए आपका पॉलिटिकल मैप या किसी भी सब्जेक्ट का टोटली कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों में अब अगर आपने बना लिया तो आप बता सकते हो सर कजाकिस्तान है, सर रूस है, अजरबैजान है, और यहां पे देखोगे तो तुर्कमेनिस्तान, ईरान है। समझ लो, आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अरल सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाएंगे? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा देश आएगा? आप देखिएगा कि ये ईरान, इराक, तुर्की, यहां पे आप देखोगे सीरिया। सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी दमस्कस। क्या बोला मैंने? दमस्कस। सीरिया से नीचे आ जाओ, यहां पे एक और देश बनेगा जॉर्डन, जिसकी राजधानी है अम्मान। ठीक है, और क्या होगा? जॉर्डन देखना, सीरिया, जॉर्डन, यहां पे मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं और बीच में एक लाइन खींच रहा हूं, दो देश बन गए। ऊपर वाले का नाम है, ऊपर वाले का नाम है, हेलो, ऊपर वाले का नाम है फिलिस्तीन और नीचे वाले का नाम है, सॉरी, ऊपर वाले का नाम है लेबनान। मैंने क्या बोला? ईरान, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, और यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया जिसमें दो देश बने हैं। ऊपर वाले का नाम लेबनान, इसका नाम क्या है? लेबनान। नीचे वाले का नाम क्या है? लेबनान के बाद फिलिस्तीन। लेबनान के बाद क्या है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन से नीचे आप आओगे, एक देश बनेगा जिसका नाम है इसराइल। इसराइल, कैपिटल जेरूसलम। ठीक है ना, जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ये ईरान, और ईरान से ही यहाँ पर एक प्रायद्वीप बनता है जिसे हम लोग कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जिसे नाम देते अरब का प्रायद्वीप। क्या नाम देते? अरब का प्रायद्वीप। इस पर अगर हम देश देखेंगे तो यहाँ पर आप देखना यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सिटी, और ये वाला सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहाँ पे जाएंगे कौन है? ये यमन, जिसकी राजधानी साना। आगे बढ़ेंगे यमन, ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी मस्कत। यहाँ पे बोला मस्कत, ये मस्कत है। और सीरिया की राजधानी दमस्कस, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और यहाँ पे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबूधाबी। राजधानी क्या बोला मैंने? अबूधाबी। दुबई का नाम सुना है दोस्तों? बस दुबई यहीं पर है, यहाँ पर आपको मिलेगी तट पे। कौन मिलेगी? दुबई मिलेगी। ठीक है ना, और ये क्या है? कतर। कतर की राजधानी दोहा। कतर के बाद में आगे जाओगे तो आपको मिलेगा बहरीन। बहरीन की राजधानी मनामा। और ये बहरीन एक द्वीपीय देश है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसे मोतियों का देश भी कहते हैं या मोतियों का शहर भी कहते हैं, जिसे यहाँ पे आप देखोगे फारस की खाड़ी है, जिसे फारस की खाड़ी का मोती भी कहते हैं। किसको? बहरीन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो ये कुवैत, एक कुवैत करके देश है जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी। ठीक है ना, और इसको पूरे को हम लोग कहते हैं अरब प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है अरब प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश हैं, या निम्नलिखित में से अरब प्रायद्वीप पे कौन सा देश नहीं आता है। तो भाई आप जब इतने सारे देशों के नाम याद रखोगे तभी तो आप इन देशों के नाम निकाल सकते हो कि हाँ ये देश नहीं आता है अरब प्रायद्वीप पर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखना ये चाइना है, ये रसिया है, यानी कि साइबेरिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक देश आपको नजर आएगा जिसका नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, जिसकी राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया से नीचे हम आएंगे तो एक और देश बनेगा जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है? शियोल है, शियोल। ठीक है, और इस प्रायद्वीप को जो बना है इसे हम लोग कोरिया प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये कोरिया देशों से ही बना हुआ है। अरे भाई इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। और प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है? कि भूमि का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है ना, ओके, आगे देखते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो खाड़ी, ये जो एक्चुअल सागर है, जलीय भाग है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं ओखस्टक सागर। क्या कहते हैं? ओखस्टक सागर। अभी मैं आपको यहाँ पर वाटर बॉडीज नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, जब आपको मैं सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू करूंगा इसके हर एक टॉपिक को, वहाँ पे फुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, बेफिक्र रहिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसके पॉलिटिकल मैप के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि एक्चुअल में पढ़ने का तरीका क्या होता है। जो बेसिक टॉपिक होता है, जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एक्चुअल में यहीं से होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, खास करके भूगोल में। ठीक है, अब बात क्या होती है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये ओखस्टक सागर हो गया। ओखस्टक सागर में यहां पर आपको मिलेगा एक द्वीप, द्वीप मिल गया,
इसका नाम है सखालीन, सखालीन द्वीप रूस का है। सखालीन द्वीप से दोस्तों आप नीचे आओगे ना तो आपको चार द्वीप और मिलेंगे जो जापान के हैं। उन द्वीपों के नाम मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनना। एक का नाम है होकेडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूशू। मैंने चार नाम लिखे हैं, होकेडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूशू। होकेडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूशू, ये चार द्वीप है किसके हैं, जापान के।